लो जी दोस्तों, जिसका इंतजार था आज वो घड़ी आ गई है। मतलब आज अपने जो मार्की प्लेयर्स हैं दोस्तों, उनकी घोषणा हो गई है कौन कौन सी टीम में जा रहे हैं दोस्तों, ये हमें पता चल गया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि जो अपनी जो टीम है उनका नाम क्या होने वाला है, फ्रेंचाइजी का नाम क्या होने वाला है, अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन ये चीज क्लियर हो गई कि अपनी जो मार्की प्लेयर्स हैं वो कौन सी टीम में जा रहे हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये जो पद्धति थी, ये जो तरीका था निकालने का, मार्की प्लेयर्स निकालने का, ये थोड़ा जुदा था और मुझे लगता है कि ये काफी सही भी था, क्योंकि पहली बार मार्की प्लेयर्स चूज किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता था कंट्रोवर्सी हो सकती थी, भाई ये यहाँ पे होने चाहिए, वहाँ पे होने चाहिए, किसी का भी दिल ना दुखे। और एक लॉटरी सिस्टम रखा गया जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए थे, उसके बाद उनके पेरेंट्स शायद उनके साथ में थे और उन्होंने बॉल भी की और वो जो मार्की प्लेयर्स थे वो उसमें चले गए दोस्तों, उस टीम में चले गए। तो मतलब काफी सिंपल, काफी सादा एक तरीका मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से चूज किया गया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका मतलब विरोध कर रहे हैं, कि उनका कहना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी हर एक प्लेयर का कैसे जो भाव हो सकता है एक ही हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लीग्स में खेल चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई लीग का मुंह तक नहीं देखा, तो कैसे एक ही कैटेगरी में सबको रखा जा सकता है, किस कैसे उनको बस 20 लाख जो सैलरी देकर उनको मार्की प्लेयर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कई जो ऐसे फैंस हैं जिनका दिल जरूर दुखा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जिस तरह से पारस खड़का ने भी खुद भी कहा है कि हमने 20 लाख हमने बोल दिया है कि भाई इनका ये सैलरी होगी, इनकी जो प्राइस है ये इतनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीसी में ये सीमित रहेंगे। अब ये हो सकता है कि जैसा टीम है जिस टीम में ये गए, अगर वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो वो जो टीम है इनको और भी ज्यादा दे सकती है, तो वो टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। अब पहला ही बार हो रहा है, अब किसी को नहीं पता है कि ये मार्की प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। अब जरूरी नहीं है, कई बार कैसे मार्की प्लेयर्स बहुत ज्यादा पैसों में खरीदे जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, तो घाटा तो टीम को हो गया ना। लेकिन अब कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि ये हमारे लिए बेकार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर किसी को एक ही मतलब तराजू में तोल दिया गया, उसी वजन में तोल दिया गया, और यहाँ पर जैसे जैसा उनका परफॉर्मेंस होती है, जिस तरह से प्रोग्रेस होती है और उनकी क्वालिटी का हमें पता चलेगा, तो जो टीम के जो उनके जो ऑनर है वो उनको पैसा दे सकते हैं, उनको और ज्यादा जो सैलरी है और ज्यादा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एज मच एज सिंपल ये सारी बात जो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि 20 लाख तो है ही जो बेस है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा यहाँ से कमाने वाले हैं और ऐसा नहीं है कि बस वो उसी में सीमित रहेंगे। तो मतलब एक बहुत ही सही तरीका मुझे लगता है, अपनी तरफ से मैं कहूँ तो मुझे बहुत ही सही लगा। अब आपको बता दूँ कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं वो मार्की प्लेयर्स कौन कौन से टीम में गए हैं, तो जहाँ पर नजर डाल लेते हैं, जहाँ पे रोहित पौडेल है वो लुम्बिनी की तरफ से खेल रहे हैं, और दीपिन सिंह एरी सुदूर पश्चिम, और संदीप लामिछाने विराट नगर, और सोमपाल कामी करनाली, करण केसी काठमांडू से हैं, आसिफ शेख जनकपुर, कुशल बुर्तेल पोखरा से, और कुशल मल्ला चितवन से। तो भाई 8 जो टीम है, 8 टीमों के अपने अपने जो मार्की प्लेयर्स डिसाइड हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि काफी हद तक जो मार्की प्लेयर्स हैं वो अपने जो रिस्पेक्टेड जो जगह है वहीं से ही आई थिंक बिलोंग भी करते हैं। और मतलब जो भी हुआ है, जो किस्मत ने ये जो चूज करवाया है, मतलब बेहतरीन है। मतलब कोई भी आई थिंक किसी को भी ये यहाँ पर शंका या प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है, और काफी अच्छा हो गया यार। अब देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये किस तरह से होती हैं। बाकी जिस तरह से NPL अब धीरे धीरे करके जो चीजें उजागर कर रहा है, बाहर लेके आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है। कौन कौन से प्लेयर्स होंगे और उनकी भी ऑक्शन होंगे, तो अब वहां से देखते हैं कि किस तरह की होता है, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो अब टीम किस तरह से हायर करते हैं उनको, ये भी देखना अभी काफी लंबा टाइम बाकी है। धीरे धीरे जो चीजें सामने आती रहेंगी और अपडेट आपके लिए लेके आता रहूंगा। बाकी तो आइए फिर आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।